Now, we will discuss nutrition, the role of nutrition, what it is, why it is important for students, and what we can do in, in, on the basis of nutritious factors. So, the term nutrition refers to the science of food, its chemical components, which are called nutrients, and their relationship to health and disease. So, it includes all the processes from the ingestion and digestion of food to the absorption, transportation, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ़ न्यूट्रेंस तो देखिए कुछ भी जो बच्चे खाते हैं पीते हैं इनटेक है उनकी उस सब के सब कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे या बुरे अज्जा रखते हैं जो उनके जिस्म पर नसरअंदाज होते हैं तो अब ऐसा है कि हमारी बीमारियाँ हमारी सेहत सब का सब और हमारी जो बच्चों की ग्रोथ है जो हमारी बच्चों की वेल बींग है जो उनकी जिसमानी उनकी माशरती और उनकी जज्बाती नशो नुमा है सारी की सारी उनकी न्यूट्रिशन पे बेस करती है और उन न्यूट्रिएंट्स पे बेस करती है जो असल में उसके अंदर हैं जैसे एक अंडा अगर एक बच्चे खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन है उसके अंदर मैग्नीशियम है ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके मुख्तलिफ जो अज्जा हैं जो ऑर्गन्स हैं उस बच्चे के बॉडी के उनको जाके वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करती हैं इसी तरह अगर आप उनको कोई तली हुई अशिया दे रहे होंगे या बहुत ज़्यादा आप उनको मसनू गजा दे रहे होंगे तो वो उनके जिगर को जाके उनके गुर्दों को जाके कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट कर रहे होंगे सो एनवायरमेंटल एंड फैमिली सच एज फाइनेंशियल रिसोर्स ट्रांसपोर्टेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन कल्चर प्रिफ्रेंसिस कन्वीनियंस एंड न्यूट्रिशन नॉलेज कैन ऑल्सो इनफ्लुएंस अ चाइल्ड्स डाइटरी क्वालिटी अब देखें सारी दुनिया के सारे बच्चों को एक तरह की अच्छी मुकम्मल और मतवाजन ज़ा नहीं मिल सकती जाहिर है मख्तल तरह के हालात हैं हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे यहाँ कई ऐसे वालदे हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को मुकम्मल और मतवाजन जा दे सकें बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि सिरे से गजा होती ही नहीं तो फिर बच्चे क्या करें तो अब देखें हमारे इसा के लिए ज़रूरी है कि और हमारे पेरेंट्स के लिए और जो जो भी केयरगेवर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन के बारे में उनको बेसिक नॉलेज ज़रूर हो कि क्या खाना बच्चों के लिए बेहतर है और कौन सा ऐसा खाना है जो बाहर हम उनका भला कर रहे होते हैं लेकिन उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है फिर दे प्ले क्रिटिकल रोल्स इन अ वैरायटी ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग अब देखिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शन उसकी बॉडी में प्ले कर रहे हैं जैसे सप्लाइंग एनर्जी बच्चे को खेल के लिए हती कि सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए तो जो भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है उसको ये न्यूट्रिएंट्स ही एनर्जी दे रहे हैं फिर प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग फिनोमेना है ग्रोथ जो है वो एक मौके पर आके मुकम्मल होती है जबकि डेवलपमेंट जो है वो सारी उम्र जारी रहती है लेकिन ग्रोथ चूंकि स्पेसिफ़िक है जीन्स स्पेसिफिक है कि जिस तरह के जीन्स होंगे उसी तरह की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट जो है उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो एनवायरनमेंट से है कि जिस तरह के बच्चों को आप रिसोर्स देंगे जिस तरह की उसको हालात फ्राहम करेंगे उसके मुताबिक उसकी डेवलपमेंट होगी दैन इम्प्रोविंग रिजिस्टेंस टू इलनेस एंड इन्फेक्शन अब देखिए ये सारा का सारा गिा पे मुनसर है कि बच्चे की क़त मुदाफ़त कैसी बनती है अगर तो वो अच्छी कुवत मुदाफ़त रखता है तो ज़ाहिर उसको कम बीमारियाँ चिमटेंगी और अगर वो बीमार हो भी जाता है तो बड़ी जल्दी वो रिकवर कर जाएगा अदरवाइज़ ये है कि कई ऐसी झजाएँ हैं जो बच्चे को सेहत देने की बजाय बीमार करती हैं यानी बहुत ज़्यादा तेल दे रहे हैं तली हुई चीज़ें दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं चीनी सफ़ेद चीनी जो है वो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है बच्चे चीनी के बड़े शौकीन होते हैं और पेरेंट्स उनको भर भर के चीनी से चीज़ें दे रहे होते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके जिगर पे असरअंदाज होते हैं बाद में जाके डायबिटीज़ उनको हो सकती है उनके जिगर के मसाइल हो सकते हैं फिर ये कि बच्चे पानी जो है वो ठीक से इस्तेमाल करें ख़ास मकदार में भले से वालदे कोशिश भी नहीं कई दफ़ा करते कि बच्चों ने पानी पिया है कि नहीं पिया तो सारे दिन में कम से कम उनको छः से आठ गिलास पानी या कोई भी ऐसा ऐसी माया चीज जो है जैसे जूसेस हैं या कोई सिकन है या आप उनको कोई और चाय वगैरह दे रहे हैं तो वो भी माया तो है लेकिन कम से कम छः से आठ गिलास उनको चौबीस घंटे में ज़रूर कभी ना कभी देना चाहिए तो हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बॉडी के अंदर एक पूरा रोल प्ले कर रही है ना ऐसा नहीं है कि बच्चे जायके लिए खाते हैं जायके के लिए नहीं खाते बल्कि उनके पूरे बॉडी को उसकी ज़रूरत है और फिर आप देखिए कि बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ रोज़ के रोज हमारे कितने ही सेल्स ऐसे हैं जो मरते हैं और ख़त्म होते हैं और फिर नए जन्म लेते हैं अब वो जो नए जन्म लेते हैं तो जाहिर है उनको भी इन फूड इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो अगर हम मतवाजन ग़ा बच्चों को नहीं देंगे तो उनके अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज़ रह जाएंगी या उनकी रिपेयर नहीं होगी फिर हम आगे चल के लाइफ स्टाइल की भी बात करेंगे कि हमारी जो भागना दौड़ना है वो भी असल में हमारे मसल्स को बेहतर करता है और एक अच्छी स्लीप जो है वो भी इसके लिए ज़रूरी है लेकिन कम अज़ कम पहले आपको अच्छी फूड मिलेगी तो आपके इन्ग्रीडियंट्स बनेंगे सो न्यूट्रिशन हेज़ इफ़ेक्ट ऑन देअर बिहेवियर लर्निंग एंड इल्स अच्छा बच्चे जो बिहेव करते हैं मुख्तलिफ तरह से कोई ज़्यादा गु़स्सा कर रहे होते हैं कोई बहुत स्लो होते हैं बात भी नहीं अच्छे से सुनते आपने उनको उठ के कुछ काम करने को कहा तो वो बैठे रह जाएंगे वो जो सुस्ती है उनके मिजाज के अंदर जो डलनेस है जो लर्निंग में स्लो हैं आप उनको बता रहे हैं बात वो समझ नहीं पा रहे तो ये जो बिहेवियर्स के और लर्निंग के प्रॉब्लम है ये भी सारे फूड से ही रिलेटेड हैं अगर हेल्थी फ़ूड है हेल्दी बॉडी है तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो करेक्ट होंगे एक्सेलरेटेड होंगे और जो जो बच्चों की जैसे जैसे नशोनुमा की स्टेजेस हैं उनके मुताबिक बिल्कुल होंगे लेकिन अगर उनकी गज़ा में कोई कमी बेशी रह गई तो फिर ये इनके सारे लर्निंग बिहेवियर्स भी ख़राब हैं और इमोशनल बिहेवियर्स भी ख़राब हो सकते हैं सो वेल नरिश चिल्ड्रेन टिपिकली मोर अलर्ट अटेंटिव फिजिकली एक्टिव एंड बैटर एबल टू बेनिफिट फ्राम लर्निंग एक्सपीरियंसिस आप देखिए वही बच्चा बेहतर सीख सकता है वही बच्चा अलर्ट हो सकता है जो सेहतमंद तरीके से पला है जिसके न्यूट्रीट अच्छे हैं जिसकी ग़ा अच्छी है और जो बॉडीली सेहतमंद है तो उसके लिए हमने बहुत सी चीज़ों का गौर करना है उनको बच्चों को समझना है उनके जेनेटिक इनबिल्ट को समझना है उनको मुतवाज़न और मुनासिब ग देनी है उनको प्रॉपर लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाना है और हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जज्बाती, ज़हनी या उनके जो माशरती नशोनमुमा है उसके ऊपर गलत असर डाल रहे हैं जो बच्चा कमज़ोर होगा वो हर मामले में कमज़ोर होगा और जो सेहतमंद है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ बेहतर हैं